नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्थित अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को 60 महीने के लिए किराए पर दिया है। इससे पहले ये प्रॉपर्टी फ्यूचर ग्रुप के फूड हॉल के पास थी। यह जगह अपने एक्सपेंसिव फूड वैरायटीज के साथ साथ स्लैब शॉपिंग के लिए भी मशहूर थी। यहाँ दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और दिशा पाटनी जैसे स्लैब्स आमतौर पर स्पॉट किए जाते थे। हाल ही में इस ग्रुप के कर्ज में डूब जाने के बाद सलमान ने इसे फूड स्क्वायर को किराए पर दे दिया। इसके लिए वे 1 करोड़ प्रतिमाह वसूल रहे हैं। सलमान ने खुद इस प्रॉपर्टी को 2012 में करीबन 120 करोड़ रुपए में बिजनेस पर्पस से ही खरीदा था। जुलाई 2017 में उन्होंने इसे फूड हॉल को लीज पर दे दिया था। इस डील में 5 साल के लिए 80 लाख रुपए प्रतिमाह किराया तय किया गया था। 5 साल की इस डील के बाद सलमान ने ग्रुप के साथ 2 साल की डील और बढ़ाई। इस डील में पहले साल का किराया 89 लाख रुपए प्रति माह तय किया गया था और दूसरे साल का किराया 95 लाख रुपए प्रति माह तय हुआ। इसके बाद इसी साल मार्च में सलमान ने यह एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।